धौलपुर ब्रेकिंग। सीकर के खंडेला में अधिवक्ता द्वारा आत्मदाह के मामले में धौलपुर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को किया कार्य का बहिष्कार। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर का चक्कर लगाकर ज्ञापन सौंपा। महावलिया द्वारा जो आत्मदाह किया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो रेवेन्यू कोड में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन सौंपा है। मौन जुलूस भी निकाल रहे हैं, कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं और जो भी हम कदम उठा सकेंगे वो सबसे सतर्क कदम उठाएंगे। शहर एडवोकेट अध्यक्ष बार धौलपुर, आज हमारे सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं ने न्यू कार्यकारिणी में भवन में मीटिंग की और उसमें हमारे सीकर जिले में खंडाला तहसील में SDO कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें हमारे वकील हंसराज जी द्वारा जो आत्महत्या की गई है और सुसाइड नोट लिखा हुआ है उसमें हमने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है कि सभी राष्ट्रीय न्यायालय को निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। सभी न्यायालयों का कार्य स्थगित किया गया है। आगामी रणनीति ऊपर से आदेश आने पर जो भी हमारी बार काउंसिल या अन्य कोई जिले की जो भी संघ है वो जो निर्णय लेगा उसमें हम सहमत हैं और इसके बाबत आज हम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देंगे कि जो राष्ट्रीय न्यायालय में भ्रष्टाचार है उसे खत्म किया जाए तथा राष्ट्रीय न्यायालय में जो अधिकारी लगे हैं उसे न्याय के अधिकारी लगाए जाएं, ये राष्ट्रीय न्यायालय के सभी अधिकारी हटाए जाएं। बृहद स्वरूप न्यायालय प्रसंग क्या क्या आयोजित किया गया आपके द्वारा? जी क्या क्या आयोजित किया बृहद प्रसंग में, क्या किया आपने आज? हमने निंदा प्रस्ताव मौन जुलूस निकाला और ज्ञापन कार्य सारे न्याय अधिकारी जो भी न्यायालय हैं राष्ट्रीय न्यायालय या जुडिशियल न्यायालय उनमें कार्य स्थगित किया गया तथा एक ज्ञापन तैयार करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।